हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे मेजर क्रॉप्स ग्रेन्स के बारे में देखेंगे, जो फूड ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होते हैं जिनको हम खाते हैं उनके बारे में हम जानेंगे, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज देखेंगे। तो मेजर क्रॉप्स जो हैं उसको हम मेनली कह सकते हैं कि जनरली मेजर क्रॉप्स में एक तो फूड वाली क्रॉप्स आती हैं और एक आती हैं नॉन फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स जिनको हम खाते हैं, नॉन फूड क्रॉप्स उनको हम खाते नहीं हैं, बाकी अदर पर्पजेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कई सारी क्रॉप्स जो इंडिया में उगाई जाती हैं, चाहे वो फूड क्रॉप्स हो या मेजर जो नॉन फूड क्रॉप्स हो, ये डिपेंड करती है वहाँ की सॉइल किस टाइप की है, वहाँ का क्लाइमेट किस टाइप का है और वहाँ पर कल्टीवेशन की कैसी प्रैक्टिसेस की जाती हैं, उन पर डिपेंड करता है कि फूड क्रॉप्स है मतलब कहाँ पर फूड क्रॉप्स उगाएँ, कहाँ पर नॉन फूड क्रॉप्स उगाएँ। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रॉप्स जो हैं उगाई जाती हैं, फूड क्रॉप हो या नॉन फूड क्रॉप हो, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। तो आपको बताना है सॉइल पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि आपको पता है हर प्रकार की सॉइल हर प्रकार की फसल को सपोर्ट नहीं कर सकती। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर टाइप की सॉइल में ही ग्रो की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल सपोर्ट करती है, या ब्लैक सॉइल में बहुत बढ़िया खेती होती है कॉटन की, ठीक है। सेम एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल में आपको बहुत अच्छी खेती देखने को मिलेगी व्हीट की और राइस की। तो सॉइल प्लस क्लाइमेट, अब जैसे बाजरा है, मिलेट को आप कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो नहीं कर सकते, है ना। सिमिलरली व्हीट है, उसको आप हॉट क्लाइमेट में नहीं ग्रो कर सकते। तो हर क्रॉप की रिक्वायरमेंट क्या होती है अलग अलग होती है, ठीक है। मेजर क्रॉप्स इन इंडिया कौन कौन सी क्रॉप्स हैं मेजर इंडिया में? राइस, व्हीट, मिलेट, पल्स, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, ये हैं मेजर क्रॉप्स जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राइस के बारे में, चावल के बारे में देखेंगे, ठीक है। ये इसको हम धान की खेती बोलते हैं, ध्यान रखना, खेतों में कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है ये धान। और जब ग्रो करते हैं तो ऐसे करके इसका प्लांटेशन करते हैं बहुत सारे लोग। बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, आप देख सकते हो उसको कितना ज़्यादा पानी चाहिए इसको, तो ऐसे करके ये धान की खेती करते हैं। इसको हम पैडी कल्टीवेशन भी बोलते हैं, पैडी भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये पैडी लगाई जा रही है यहाँ पर। और राइस जो है ये एक स्टेपल फूड क्रॉप है, स्टेपल मतलब खाने की हमारी मेन क्रॉप है, मुख्य आहार है। तो भारत में ज़्यादातर लोग, आप देखो, आप चाहे नॉर्थ इंडिया में रहो, साउथ इंडिया में रहो, ईस्ट इंडिया में रहो, वेस्ट इंडिया में रहो, सेंट्रल इंडिया में रहो, हर जगह पर आपको राइस खाने वाले लोग मिल जाएंगे। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में तो चलो आपको देखा होगा व्हीट खाने वाले लोग रहते हैं, व्हीट मतलब चपाती, गेहूं की चपाती खाने वाले लोग रहते हैं। बट इन साउथ इंडिया आपको मेनली वहाँ पर लोग जो किस पर डिपेंड रहते हैं, राइस पर डिपेंड रहते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें हम इंडिया में, तो ये राइस जो है स्टेपल फूड ग्रुप है इंडिया में। और इंडिया अगर राइस के प्रोडक्शन की बात करें तो ध्यान रखना इंडिया सेकंड नंबर पर आता है, फर्स्ट नंबर पर आता है चाइना। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन जो करता है कंट्री वो है चाइना, और दूसरे नंबर पर है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। राइस एक खरीफ की क्रॉप है और इसको जब हम ग्रो करते हैं तो उगाते हैं, तो उस समय टेम्परेचर हमें चाहिए मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, ह्यूमिडिटी मतलब एनवायरमेंट में मॉइस्चर की, एयर में मॉइस्चर का कंटेंट होना चाहिए, और एनुअल रेनफॉल जो है लगभग मोर देन 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर मान लो किसी जगह पर रेनफॉल कम हो रही है, बरसात कम हो रही है, तो वहाँ पर भी राइस ग्रो की जा सकती है, बट वहाँ पर हमें इरीगेशन का सहारा लेना पड़ेगा, पानी देने का सोर्स हमारे पास होना चाहिए। ये है प्यारे प्यारे चावल आपके खाने वाले, ठीक है। राइस ग्रो कहाँ कहाँ किए जाते हैं मेनली? तो इंडिया में ग्रो किया जाता है प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अब देखो ये वाला जो रीजन है ना, ये पूरा है प्लेन वाला रीजन, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, कुछ हरियाणा, पंजाब, ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं प्लेन वाला रीजन। तो ये तो नॉर्दर्न प्लेन्स है, और फिर इधर की साइड में भी प्लेन्स पाए जाते हैं आसाम की साइड में, ये हो जाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स। प्लस कोस्टल एरिया, ये वाला एरिया कोस्टल एरिया, ये वाला एरिया कोस्टल एरिया, और डेल्टा एक रीजन, यहाँ पर कई सारी रिवर्स हैं वो डेल्टा बनाती हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये रिवर भी क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। तो डेल्टा वाले क्षेत्रों में भी राइस का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल सिस्टम, कैनाल आप समझते हो ना, नहर, ठीक है, नहर और ट्यूबवेल्स है मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा कई शहरों में एक तो ट्यूबवेल्स, कई जगहों पर ट्यूबवेल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, कैनाल्स पहुँचाई जा रही हैं। तो जहाँ पर रेनफॉल कम होती है, ध्यान रखना, जहाँ पर रेनफॉल अच्छी हो रही है तो अच्छी बात है, जहाँ पर रेनफॉल कम हो रही है तो वहाँ पर इरीगेशन के सोर्सेज डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे कैनाल से डेवलप की जा रही हैं और वहाँ पर ट्यूबवेल्स लगाए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों से क्या पॉसिबल हो पा रहा है कि जहाँ पर पहले राइस की खेती कम होती थी वहाँ पर ये राइस का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। इसका एग्जाम्पल दे रखा है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पार्ट्स ऑफ राजस्थान, यहाँ पर भी राइस अच्छी तरह से ग्रो किया जाता है।
दूसरी क्रॉप जो हमारी दे रखी है वो है व्हीट, गेहूं। तो ये गेहूं ऐसा खेत में दिखाई देता है पकने से पहले, और ये जब गेहूं की फसल पक जाती है तो ऐसी दिखाई देती है, यूँ समझ लो। इसके बाद तो अब इसकी हम क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, ठीक है। हार्वेस्टिंग करेंगे मतलब इसकी कटाई करेंगे, और ये एक्चुअलिटी में व्हीट है ही, आप सब जानते ही होंगे, ठीक है। तो व्हीट जो है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, सीरियल क्रॉप है, किसके बाद, राइस के बाद। और ये भी एक मेन फूड क्रॉप है, स्पेशली नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इंडिया का, जो नॉर्थ वाला हिस्सा है और नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग गेहूं पर डिपेंड रहते हैं, गेहूं की चपाती खाते हैं, गेहूं के बने हुए आइटम्स खाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। इस क्रॉप के लिए जब हम इसको बोते हैं, देखा ध्यान रखना है, जब इस क्रॉप को जब इसको बोया जाता है ना, सोइंग सीजन जो होता है उस समय पर टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए, ठीक है। और इसको जनरली नवंबर अक्टूबर नवंबर के टाइम पर इसको ग्रो करते हैं। और जब इसको कटाई की जाती है, जब ये पक जाती है, तो पकने के लिए इसको चाहिए ब्राइट सनशाइन, थोड़ा चमकीला, मतलब थोड़ी सी गर्मी चाहिए पकने के लिए। उगाने के लिए तो थोड़ी सर्दी चाहिए, और जब ये पकने के लिए इसको थोड़ी गर्मी चाहिए। और एनुअल रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है 50 से 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, और वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, बरसात मतलब लगभग हर जगह पर कैसी होनी चाहिए, सेम। देर आर टू इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स इन कंट्री, भारत में दो मेन जगह हैं जहाँ पर व्हीट ग्रो किए जाते हैं। एक तो है गंगा सतलज प्लेन्स इन नॉर्थ वेस्ट, तो आप देखोगे ये पूरा प्लेन वाला रीजन है, आपको दिखा रखा है यहाँ पर। तो गंगा सतलज प्लेन्स का मतलब ये है, इधर की साइड में ये तो आपको देखने को मिलेंगे, ये हैं गंगा के प्लेन्स, और इधर की साइड में आपको देखने को मिलेंगे सतलुज रिवर के प्लेन्स। सतलज वाले प्लेन जो है मेनली पाकिस्तान में, मगर कुछ हिस्सा इसका आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा जो नॉर्थ वेस्ट साइड में। तो गंगा के प्लेन्स और सतलज वाला प्लेन वाला जो रीजन है, वहाँ पर आपको पता है सॉइल थोड़ी फर्टाइल होती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है, तो वहाँ पर व्हीट ग्रो किए जाते हैं। साथ के साथ में ब्लैक रीजन्स ऑफ डेक्कन प्लेटू, भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो नीचे वाला डेक्कन प्लेटू, वहाँ पर भी आपको व्हीट की कल्टीवेशन देखने को मिलेगी, जहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर व्हीट का प्रोडक्शन किया जाता है, कौन कौन से स्टेट्स में किया जाता है, ये ब्लैंक मैप है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सबसे पहले पंजाब, तो पंजाब कहाँ है, ये रहा आपका पंजाब, हरियाणा इसके जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश, ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश कहाँ है, ये रहा आपका मध्य प्रदेश, फिर बिहार, ये रहा आपका बिहार, और फिर राजस्थान, ये रहा आपका राजस्थान, ठीक है। वैसे करके आपको फिल कर देना है इसको, मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स एक अलग से मैप बना देना, उसको फिल कर देना, ठीक है। अब हम देखेंगे मिलेट के बारे में, तो मिलेट में ध्यान रखना तीन क्रॉप्स इसमें जनरली आती हैं, ज्वार बाजरा रागी, ध्यान रखना ज्वार बाजरा रागी, ये इम्पोर्टेंट मिलेट ग्रोन मतलब कि मिलेट्स क्रॉप्स हैं जो ग्रो की जाती हैं भारत में। तो ध्यान रखना मिलेट में तीनों चीज़ आती हैं, कौन कौन सी चीज़ आती हैं, नंबर एक ज्वार, नंबर दो बाजरा, नंबर तीन रागी, ये तीनों चीज़ किस में आती है, मिलेट में आती है। तीनों की तीनों कोर्स ग्रेन है, कोर्स मतलब मोटा अनाज है, ठीक है। और इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई होती है, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ज्वार के बारे में बात करेंगे, ये ज्वार का ग्रेन है, आप देख सकते हो मोटा अनाज है, और ये ज्वार की फसल है, और ये जो है इसमें ज्वार लगती है, और ये फोडर क्रॉप भी है, ध्यान रखना ज्वार कैसी क्रॉप है, फोडर क्रॉप भी है। ऊपर वाला एरिया तो ग्रेन मिल जाएगा, और नीचे वाले एरिया से फोडर मिल जाएगा। तो इसको मॉइस्ट एरिया में ग्रो किया जाता है, जहाँ पर थोड़ी मॉइस्चर रहती है, और इसको जनरली इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये खरीफ की क्रॉप है, तो बरसात से ही हो जाती है। कहाँ कहाँ पर ज्वार उगाई जाती है, तो नंबर एक महाराष्ट्र, ये रहा आपका महाराष्ट्र, नंबर दो कर्नाटका, ये रहा आपका कर्नाटका, नंबर तीन आंध्र प्रदेश, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश, और ये रहा मध्य प्रदेश। तो इन वाले रीजन्स में इसको ग्रो किया जाता है, हालांकि राजस्थान में भी की जाती है, उत्तर प्रदेश में भी की जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने तीन चार आपको बता दिए। फिर है बाजरा, जिसको हम पर्ल मिलेट भी बोलते हैं, है ना, ये ऐसा बाजरा की ये बाल दिखा रखी है, और ये बाजरा की फसल है ना। तो बाजरा ग्रो किया जाता है सैंडी सॉइल और सैलो ब्लैक सॉइल, इन सॉइल्स में इसको ग्रो किया जाता है। ये बाजरे का दाना है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर ग्रो किया जाता है, नंबर एक राजस्थान, तो ध्यान रखना बाजरे के प्रोडक्शन में राजस्थान इंडिया में नंबर वन है। फिर दूसरा है उत्तर प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर है आपका गुजरात, यहाँ पे गुजरात है, फिर है आपका हरियाणा, और राजस्थान के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा आपका हरियाणा, ठीक है। तो इन रीजन्स में किसको ग्रो किया जाता है, बाजरे को ग्रो किया जाता है। अब हम रागी की बात करेंगे, कुछ ऐसी दिखाई देती है, ये इसकी रागी की फली सी है, ये रहा रागी का, ये प्लांट है रागी का, ठीक है। तो रागी ये भी मिलेट में आती है, इसको हम फिंगर मिलेट कहते हैं। इसको ड्राई रीजन्स में ग्रो किया जाता है, इसके लिए जो सॉइल चाहिए वो रेड सॉइल हो या ब्लैक हो, सैंडी लोमी, सैलो ब्लैक सॉइल हो, इन सॉइल्स में रागी की फसल अच्छी होती है। और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं, आयरन, कैल्शियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, रफेज, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी आपको।
रागी कहाँ कहाँ पर ग्रो की जाती है, तो नंबर एक कर्नाटका, तो ये रहा आपका कर्नाटका, और तमिलनाडु, ये रहा आपका तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश, ये रहा ठीक है, और उत्तराखंड, इसके जस्ट नीचे ये उत्तराखंड हो गया, सिक्किम, यहाँ पर भूटान और नेपाल के बीच में ये क्या है, सिक्किम है, झारखंड, और बिहार के नीचे ये रहा आपका झारखंड, और अरुणाचल प्रदेश, ये वाला रहा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो मैप की प्रैक्टिस साथ के साथ में करते चलें, हर क्रॉप के लिए अलग अलग मैप बनाने, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। अब हम देखेंगे मेज, मक्के के बारे में देखेंगे, मक्का, तो ये आपने देखा ही होगा हैं, बरसात के दिनों में इसको खाया भी होगा, भुना हुआ है, भुट्टा भी बोलते हैं इसको। तो मेज एक क्रॉप है जिसका इस्तेमाल फूड के लिए भी करते हैं, एज वेल एज फॉडर के लिए भी करते हैं। तो ऊपर वाला हिस्सा तो खाने के लिए, और उसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो चारे की तरह भी इस्तेमाल हो जाता है जानवरों के लिए। ये एक खरीद की क्रॉप है, और इसको जब टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और इसको बहुत बढ़िया ग्रो किया जाता है ओल्ड एलुवियल सॉइल वाले रीजन में। कुछ स्टेट जैसे बिहार, बिहार में इसको रबी की क्रॉप के सीजन, मतलब रबी सीजन में भी इसको ग्रो किया जाता है, मतलब विंटर सीजन में भी बिहार में मेज की क्रॉप की जाती है। अच्छा, आज की डेट में आपको बताएं, मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल करते हैं इसको ग्रो करने के लिए, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, नंबर एक कर्नाटका, तो ये रहा कर्नाटका, नंबर दो मध्य प्रदेश, तो ये रहा आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश, और छठे में पे है तेलंगाना, तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के ऊपर। ध्यान रखना तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश में से ही बना था। अच्छा, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, बताओ भारत में, इंडिया में एट प्रेजेंट में, अभी हम बात कर रहे हैं 2021 की बात कर रहे हैं, ठीक है, अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर 2021 तक भारत में कितने स्टेट हैं और कितने यूनियन टेरेटरीज हैं, कमेंट करके बतानी है आपको, है ना। अब हम देखेंगे पल्सेस, दालों के बारे में देखेंगे, ध्यान रखना दालें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और दालें जो होती हैं प्रोटीन का इंपॉर्टेंट सोर्स होती हैं, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है, और ये वेजिटेरियन डाइट है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग होते हैं नॉनवेज, तो नॉनवेज से प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है नॉनवेज, मगर जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, वेज खाते हैं, तो जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए प्रोटीन का सबसे बढ़िया सोर्स होता है पल्स। हर घर में दाल बनाई जाती है, आप सबको पता होगा, और दालें भी अलग अलग प्रकार की बनाई जाती हैं। और भारत की बात करें तो भारत जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दाल प्रोड्यूस भी करता है, और सबसे ज़्यादा दालों का कंजप्शन भी करता है, यूज भी करता है। कौन कौन सी दाल से, यह है तूर और अरहर की दाल, यह है उड़द की दाल, यह है मूँग की दाल, यह है आपकी मसूर की दाल, यह है पीज मतलब मटर, और यह है चना की दाल। तो कई सारी दाल से जो भारत में ग्रो की जाती है, इनके अलावा भी ग्रो की जाती हैं, बट बुक में जो दे रखा है मैंने आपको बता दिया है। पल्स उगाने के लिए, दाल उगाने के लिए कम मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है, और ये ड्राई सीजन में भी इनको ग्रो किया जा सकता है। कुछ प्लांट होते हैं, कुछ दाल ऐसी होती हैं जो लेगुमिनियस फैमिली की होती हैं, लेगुमिनियस क्रॉप्स होती हैं, ध्यान रखना, जो लेगुमिनियस क्रॉप्स होती हैं ना, उनकी जो रूट्स होती हैं, रूट्स में नोड्यूल्स पाए जाते हैं, गांठ गांठ सी पाई जाती हैं, और इन नोड्यूल्स पर एक बैक्टीरिया रहता है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम। कौन सा बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, और ये राइजोबियम क्या करता है, हमारी एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और इस सिंपल फॉर्म को प्लांट यूज करता है। तो ये कुछ लेग्यूमिनियस क्रॉप्स जो होती हैं, दालों में कुछ क्रॉप्स कैसी होती हैं, लेग्यूमिनियस होती हैं, ये क्या करती हैं, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाती हैं, क्या बढ़ाती हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में हेल्प करती हैं। तो बींग लेग्यूमिनियस क्रॉप्स, दालें कैसी क्रॉप्स होती हैं, लेग्यूमिनियस क्रॉप्स होती हैं, ऑल दिस क्रॉप एक्सेप्ट अरहर, अरहर को छोड़ दो, हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। तो ध्यान रखना दालें जो होती हैं ये लेग्यूमिनियस क्रॉप्स होती हैं, मैंने बताया था लेग्यूमिनियस क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जिनकी जो रूट्स होती हैं, रूट्स में ऐसे नोड्यूल्स पाए जाते हैं, गांठ गांठ सी पाई जाती है, और इन नोड्यूल्स पर बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम, वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और उस नाइट्रोजन को फिक्स करने के बाद सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो ये और बहुत बड़ा इनका इंपॉर्टेंट योगदान है कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाती हैं पल्स, ठीक है। दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स, इनको जनरली रोटेशन में ग्रो किया जाता है बाकी क्रॉप्स के साथ। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं राजस्थान में, तो नंबर एक मध्य प्रदेश, ये रहा मध्य प्रदेश, ये रहा फिर दूसरा राजस्थान, फिर आ गया महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, और आपका फिर पाँचवें पे है कर्नाटका। तो ये हैं आपके मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो इंडिया में हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारी मेजर फूड क्रॉप, फूड ग्रेन क्रॉप है जो हमारी फिनिश होगी, बाकी क्रॉप्स हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।